हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 20 दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में जबरदस्त मिलावट का काम चल रहा है। ग्वालियर से भोपाल आया है 16 क्विंटल मावा, जिसमें कास्टिक सोडा और ऑयल फैट मिला हुआ है। दोस्तों, प्रदेश में दीपावली के अवसर पर ग्वालियर से आए 16 क्विंटल मावे में कास्टिक सोडा और ऑयल फैट की मिलावट पाई गई है। यह खुलासा खाद्य विभाग की प्रयोगशाला में जांच के दौरान हुआ है। दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में लाखों क्विंटल मावा खरीदा जाएगा और लोग इसकी मिठाई बनाकर खुद खाएंगे। लेकिन इससे पहले इस मावे को खाद्य विभाग ने पकड़ लिया और लोगों की जान बकस दी। दोस्तों, खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि यदि इस मावे की मिठाई बनाकर आदमी खाए तो यह धीरे धीरे करके शरीर के अंगों को खराब कर देगा। हालांकि दोस्तों, इस 16 क्विंटल मावे को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर भी और कहीं मिलावट हो रही होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी सावधानी से खरीदें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव मेरे मुख्यमंत्री बनने का नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश तथा प्रदेश में व्यापक अराजकता का माहौल है, इसलिए मतदाता सच्चाई का साथ दें और अपने बच्चों, नौजवानों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोच समझकर वोट दें। ये सभी बातें पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने जबलपुर में आम सभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में तेजी से माहौल बदल रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ रही जनता बता रही है कि अब फिर परिवर्तन आने वाला है, अर्थात कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, जबलपुर में जनसभा के दौरान कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा कौन सा गुनाह रहा जो मेरी सरकार गिराई गई। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्या वह गुनाह था? मैंने गरीबों को 100 यूनिट बिजली दी, क्या वह गुनाह था? या फिर मैंने बेरोजगारी की चिंता की, क्या वह गुनाह था? इस प्रकार कमलनाथ जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जीत हासिल हो गई है। 24 साल बाद मिला है कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शशि थरूर जी को हराकर अपने सिर पर सेहरा बांध लिया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 7,897 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर जी को 1,072 वोट मिले थे। इस प्रकार से 7,897 वोट लेकर वे जीत चुके हैं। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में एंट्री कर ली है, इसलिए दीपावली पर न बरते लापरवाही। दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए हमें ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और सावधानी भी रखनी है। दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BQ1 भारत में दस्तक दे चुका है, इसलिए इस त्योहारी सीजन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु अभियान शुरू हो गया है। दोस्तों, शिवराज सरकार ने कालाबाजारी पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। 19 अक्टूबर से राशन की कालाबाजारी को लेकर शिवराज सरकार अब अभियान चलाने जा रही है, जो अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। अर्थात इस त्योहारी सीजन में कालाबाजारी को रोकने के लिए अभियान 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों, कहा गया है कि अभियान के तहत राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिससे पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। एक देश एक राशन के तहत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने में अब हितग्राहियों को सुविधा मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत कर्मी 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं, जिससे पंचायत के सभी काम ठप हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के करीब 23,000 पंचायत कर्मी बुधवार से 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर नाराज हैं। वे 18 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक की छुट्टी पर हैं और 21 अक्टूबर को काम पर लौटेंगे। लेकिन यदि सरकार ने मांगों के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया तो यह छुट्टियां और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, पंचायत कर्मियों ने कहा है कि 22 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम में वे हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी मांग है कि परमानेंट करें, मानदेय बढ़ाएं, अनुकंपा नियुक्ति करें। यदि ये सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, पंचायत कर्मियों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत 19 से 21 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे वे। 31 अक्टूबर तक यदि मांगें नहीं पूरी होती तो 1 नवंबर से प्रदेश भर में धरना रैली होगी।
वहीं 15 नवंबर को भोपाल में वादा निभाओ रैली निकाली जाएगी। इन सब के बावजूद भी यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश के 23,000 पंचायत कर्मियों ने सरकार को धमकी दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन निकालेंगे स्वाभिमान यात्रा। दोस्तों, गुना जिले में पहली बार दिव्यांगजन यात्रा करने जा रहे हैं। वह 7 नवंबर को दिव्यांग स्वाभिमान दिवस मनाएंगे प्रदेश में। इस दौरान 30 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में 20 जिलों के दिव्यांगों को शामिल किया जाएगा और वे सभी मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी दिव्यांग यात्रा को समापन देंगे। दोस्तों, सिंगरौली जिले के अतिथि शिक्षक बन गए करोड़पति। ऑनलाइन गेम ने उन्हें बना दिया करोड़पति। दोस्तों, उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच से जीत लिया 1 करोड़ रुपये। दोस्तों, सिंगरौली जिले के एक अतिथि शिक्षक की कुछ ही घंटे में किस्मत बदल गई। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए T20 वार्म अप मैच से पहले ड्रीम टीम बनाई थी। दोस्तों, सिंगरौली जिले के रामेश्वर, जिनकी उम्र 24 साल है, उन्होंने ऑनलाइन गेम पर 49 रुपये में अपनी ड्रीम टीम बनाई थी। रामेश्वर की ड्रीम टीम पहले स्थान पर रही, उसे 1 करोड़ रुपये मिल गए। इस प्रकार ऑनलाइन गेम खेलकर उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। दोस्तों, सिंगरौली जिले के बिंदुल गांव के रहने वाले रामेश्वर शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल धनगढ़ में अतिथि शिक्षक हैं। वह करीब 2.5 साल से लगातार ऑनलाइन गेम ऐप पर टीम बनाकर किस्मत आजमा रहे थे। सोमवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के हुए T20 मैच में उन्होंने 49 रुपये की 9 ड्रीम टीम बनाई। इनमें से उनकी एक टीम ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। रामेश्वर और उसका परिवार जीत के बाद काफ़ी खुश है। रामेश्वर जी को 30% मनोरंजन टैक्स काटकर 70 लाख रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार एक अतिथि शिक्षक ऑनलाइन गेम खेलकर करोड़पति बन गया। दोस्तों, बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर जिले से हकीकत सामने आई है। बुरहानपुर जिले में हर घर नल योजना के तहत कलेक्टर ने राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया, लेकिन गांव वाले अभी भी 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। दोस्तों, बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित बालंद्रा गांव में महिलाएं कुएं से पानी भर रही है, जबकि यहां पर कहा गया है कि पूरा जिला हर घर नल योजना से परिपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि बुरहानपुर जिला हर घर में नल कनेक्शन पहुँचाने वाला देश का पहला जिला घोषित हुआ है। 2 अक्टूबर को कलेक्टर प्रवीण सिंह राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड भी ले चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर गांव में अभी भी महिलाएं कुएं से पानी भरने जा रही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह मामला सरकार की पोल खोल रहा है। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने में छिंदवाड़ा जिला बना प्रदेश में नंबर 1। कलेक्टर साहब ने कैंप लगाकर बनवा दिया जिले को प्रदेश में नंबर 1। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने में हो रही लापरवाही के चलते छिंदवाड़ा CMHO डॉक्टर JC चौरसिया को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही वहां जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए थे कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, जिसको लेकर कलेक्टर साहब एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को विशेष रूप से घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के इस निर्देश का इस तरह से पालन हुआ कि छिंदवाड़ा जिला पूरे प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में नंबर 1 आ गया। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।